टीवी एक्ट्रेस चारू असोबा और राजीव सेन अक्सर अपनी शादी को लेकर कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। इस कपल ने 16 जून 2019 को गोवा में धूमधाम से शादी रचाई थी। शादी के एक साल के अंदर अंदर इस कपल ने अनबन की खबरें भी सामने आने लगी थी। हालांकि दोनों ने अपने बीच मतभेदों को सॉल्व भी कर लिया था और एक बार फिर साथ आ गए थे। अब एक बार फिर से इस कपल अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। सोर्सेस की माने तो इस कपल ने अलग होने का डिसीजन ले लिया है। इतना ही नहीं, अलग होने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चारू असोबा और राजीव सेन की शादी में दरार आ चुकी है। इस कपल ने अब लीगल रास्ता अपनाने का डिसीजन भी ले लिया है। कहा जा रहा है कि इस कपल की फैमिली सब ठीक करने की कोशिश करता रहा है, मगर इस बार उनकी कोशिश भी काम नहीं कर पाई है। एक्ट्रेस और राजीव सेन के करीबी सोर्सेज ने बताया कि उनके बीच पहले दिन से ही कंपेटिबिलिटी इश्यूज आ रहे थे। चारू ने राजीव के साथ सारी फोटोज भी डिलीट कर दी हैं। हालांकि अभी तक राजीव ने चारू के साथ अपनी फोटोज को डिलीट नहीं किया है। इनकी रजिस्टर्ड मैरिज भी हुई थी। चारू के टीवी करियर की बात करें तो उन्होंने सीरियल मेरे अंगने में ये रिश्ता क्या कहलाता है और संगनी में नजर आ चुकी है। वहीं राजीव सेन पेशे से मॉडल और ज्वेलरी बिजनेसमैन है। राजीव अब बॉलीवुड में भी जल्दी डेब्यू करने वाले हैं। वेल, आपका इस कपल के इस डिसीजन पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।